हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बट सावित्री का प्रसाद बनाने जा रही हूँ, जो बट ब्रज की पूजा होती है। और हमने एक कटोरी आटा लिया है और एक ही कटोरी चीनी, और ये कोकोनट है, गर्री के लच्छे। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो घिस के भी ले सकते हैं। ये सूजी है और सूजी मिक्स कर देते हैं आटे में, और प्रसाद में यही बनता है। चीनी ये पिसी हुई है, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मोहन के लिए ऑयल या घी जो आपको पसंद हो ले सकते हैं, और इससे ये बहुत खस्ता बनेगा मोहन से। और प्रसाद में बट ब्रज वाली पूजा में यही बनता है। और इतना हमें मोहन लगाना है कि मुट्ठी बंधने लग, देखिए ये मुट्ठी बहुत अच्छे से बंध रही है और इतना बच भी गया है। थोड़ा थोड़ा कर पानी एकदम नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा लगाना है, और इसका सख्त ही आटा लगाना है। जितना सख्त रहेगा उतना खाने में ये खस्ता बनेगा। आप बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आटा अब लग गया है, अभी थोड़ा और सही कर लेते हैं इसको, और ऐसे मसल मसल के सही कर लेंगे। प्रसाद के लिए बना रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ा अच्छे से गूंथ लेते हैं इसको, जितना अच्छा आटा रहेगा उतना अच्छा आपका ये बरगद बनके तैयार होगा। जैसे बरगद के पेड़ में फल होता है, सेम वैसे ही ये बनेगा। प्रसाद भी फल के आकार का बनता है। देखिए ये सख्त आटा है, और इसको हम ढक देते हैं आधा घंटा के लिए। और यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो गया है, और फिर से इसको सही कर लेते हैं। सूजी फूल गई है तो ये थोड़ा और सख्त हो गया है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके ऐसे बना लेंगे, जैसे रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं, ऐसे ही बरगद का फल होता है। फल थोड़ा और भी छोटा होता है, आकार आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही सारे प्रसाद ऐसे सब बना लेंगे। इनको बरगद बोला जाता है, बरगद का फल। आपको कम ज़्यादा जितना बड़ा चाहिए आप बना सकते हैं, या फिर वैसे खाने के लिए बनाना हो तो छोटे जैसे खस्ता बनता है वैसे बना सकते हैं, जैसे ठोकवा वगैरह बनता है। लेकिन प्रसाद जो इसमें बट सावित्री व्रत में ऐसे ही बना के चढ़ता है। ये हमने सारे बरगद बना लिए हैं, और चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। देखिए कितना अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। इधर कढ़ाई हमने पहले से रख दी थी गैस पे, और तेल हमारा गरम है। ऐसे सारे बरगद हम डाल देंगे इसमें, और इसको धीमे फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ये अंदर तक कच्चे ना रहें, बहुत अच्छे से पक जाएं। थोड़ा समय इसमें लगता है पकने में, बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं। धीमे धीमे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। जैसे हम बाटी को छानते हैं सेम वैसे ही, और जब इनमें क्रैक्स आ जाते हैं तो समझो ये पक गया। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन होने लगे हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गए हैं, एकदम रसगुल्ला जैसे लग रहे हैं, और देखिए फटने भी लगे हैं ये। लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये गोल्डन हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं, और बीच से इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं अच्छे से,
और धीमे फ्लेम पे हमने पकाया है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए और लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बरगद बन के तैयार हैं, बरगद का फल। और अब मैं भी पूजा करने जा रही हूँ और ये बन के तैयार हो गया है प्रसाद। आप लोग भी बनाइए, देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए।